उसके बारे में आप बताइए। देखिए ऐसा है कि आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु और पूर्णिमा, गुरु अपने आप में ही पूर्ण होता है। गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। गु यानी अंधकार, ज्ञान का अंधकार, रु मतलब ज्ञान का प्रकाश। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा तत्व जो आपके जीवन में आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु है। और आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव इसलिए मनाते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक देश है, यहाँ पर गुरु की महिमा सदैव उच्च मानी गई है। चाहे अगर ईश्वर ने स्वयं अवतार भी लिया हो तो वो भी अपने ज्ञान के लिए, समाज के कल्याण के लिए गुरुकुल गए और गुरु के पास जाकर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। तो यह परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम सब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में जो गुरु परंपरा के लोग हैं, जो सिद्ध लोग हैं, जो हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमारे टीचर हैं, उन सब की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें प्रेम से सम्मान दिया जाता है। ये शिष्य और गुरु दोनों के प्रेम का प्रतीक है, इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि हमारा मुंबई में क्या कार्यक्रम है, हम पिछले 2 वर्षों से जो कोरोना के काल में, जो कोरोना के समय जिन व्यक्तियों का देहांत हो गया था, उनका प्रॉपर क्रिमिनेशन नहीं हो पाया, उनकी प्रॉपर अंत्येष्टि नहीं हो पाई, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, तो उन सब की मृत आत्माओं की शांति के लिए हम पिछले 2 वर्षों से गायत्री महानुष्ठान कर रहे हैं। ये हमने पहले दिल्ली में भी किया, हरिद्वार में किया, बॉम्बे में भी किया और भी कई जगहों पर किया। लगभग हम 12 से 13 ये अनुष्ठान कर चुके हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस बार हम मुंबई में भी कर रहे हैं। मुंबई में आज भी अनुष्ठान है, फिर 16 तारीख को भी है और 17 तारीख को भी है। 17 तारीख को काफी बड़ा अनुष्ठान है, 17 जुलाई शाम को 5:30 बजे से लेकर राजकमल बिल्डिंग में वर्सोवा सोशल, मतलब जो जुहू में वर्सोवा सोशल है उसके पास राजकमल बिल्डिंग है, वहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ सैकड़ों लोगों के आने की उम्मीद है और वो सब अपनी शांति और अपना प्रेम जो है और अपनी प्रार्थना उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति समर्पित करेंगे। तो हमारा यही उद्देश्य है कि उन आत्माओं को मुक्ति मिले, शांति मिले, क्योंकि हम उस समय तो कुछ कर नहीं पाए लेकिन आज तो हम कर सकते हैं, इसी प्रयास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप आज हमने देखा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपके जो शिष्य है या आपके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने भी यू नो आज अपने आपके चरण धोए और गुरु को सम्मान और वो दर्जा दिया, तो थोड़ा उस बारे में भी आप बताओगे जो क्लोज लोग हैं आप। देखिए ऐसा होता है कि गुरु के प्रति सम्मान प्रतीक करने के अलग अलग तरह के विधाएं हैं, अलग अलग तरह की विधियां हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं होता, ये गुरु तत्व का सम्मान होता है। हम तो हार्ड मास के बने हुए पुतले हैं, हम न जाने जीवन में कैसे कैसे कर्म करते रहते हैं और हम उसके अधिकारी नहीं होते हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु तत्व होता है, जो उस तत्व की पूजा होती है, उस तत्व की आराधना होती है, उस तत्व का सम्मान होता है, व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं होता है। क्योंकि हमारे संत समाज में कहा जाता है कि हमें प्रतिष्ठा और सम्मान से दूर रहना चाहिए। ये शिष्यों का प्रेम होता है अपने गुरु और गुरु तत्व के प्रति, तो उन्होंने उसे समर्पित किया। और हमारे यहाँ कहते हैं अगर आपसे बड़े कोई आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में इस परंपरा है, गुरु को बहुत सम्मान दिया जाता है, उनके चरण धोए जाते हैं, चरणामृत को पूरे घर में फैलाया जाता है और इसको शुभ मानते हैं। तो उसी श्रृंखला को इन्होंने आगे बढ़ाया, इन बच्चों ने अपना प्रेम दिखाया और ये बच्चे मेरे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं और काफी सारे अनुष्ठानों में पार्ट लेते हैं। ये मुझसे तंत्र मंत्र यंत्र की दीक्षा भी ले रहे हैं और जो हमारी शिव आराधी हरि परंपरा है उस परंपरा की आगे इसको लेकर जाएंगे और दूर देशों तक इस परंपरा के विषय में बताएंगे। जैसे कि बहुत तरीके के यू नो उद्धार होते हैं, आप लोगों का कल्याण करते हो, अपनी तो अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है यू नो, और ये भी एक तरह का एक साइंस है, एक स्टडी है जी। तो आप किस तरह से लोगों का यू नो लोगों को गाइड करते हो, उनका उद्धार उनका कल्याण करते हो? देखिए हम किसी का कल्याण या उद्धार करने के अधिकारी नहीं है, हम प्रयास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हमने अपने गुरुओं से जो सीखा है, मैं अपने जीवन काल में विभिन्न गुरुओं के आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए हैं और उनसे जो सीखता चला आया हूँ और सीखने के बाद जो मुझे ज्ञान मिला, जो उस ज्ञान को संचित करके मैंने एक परंपरा का जो निर्माण किया और उस परंपरा के थ्रू जो हम इस ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें यही प्रयास कर रहे हैं कि यह दरबार दीन को आधा, जिसको भी आवश्यकता है, जिस भी अवस्था में आवश्यकता है, बिना जजमेंट किए हुए कि किस देश का है, किस काल का है, किस स्थिति में है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसा है, उसकी उस वक्त मदद करने की आवश्यकता है, उसको धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करने के आगे बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखो जजमेंट करने का अधिकार हमारे पास नहीं है,
वो पीछे से कहाँ से आया है, कैसा आया, हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब सूर्य उदित होता है तो वो ये डिसाइड करके नहीं उदित होता है कि मैं इस ये चोर है इसके घर पे नहीं हो जाऊंगा, ये साहूकार है इसके घर पे नहीं जाऊंगा, ये नेता है इसके घर पे नहीं होगा। सूर्य उदित होता है, ऐसे वर्षा का जल जब बरसता है तो सबके लिए बरसता है। ऐसे ही गुरु या शिष्य परंपरा में जो प्रेम है, जो सद्भावना है, जो ज्ञान है, वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी देश काल स्थिति परिस्थिति कहीं से भी आया हो। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि समानता का प्रचार हो और लोग एक दूसरे के साथ प्रेम में हो। मैं ये कहता हूँ कि अपनों से मिलो बेगानों की तरह और बेगानों से मिलो अपनों की तरह। तो जीवन में अपने आत्मसम्मान को जीवित रखते हुए सबके साथ प्रेम से रहें और सबको प्रेम और सबकी सहायता करें, जजमेंट ना करें। हमारे समाज में जजमेंट और ईर्ष्या एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जो हमारे समाज का पतन का कारण हो रहा है। अगर हम प्रेम और सौहार्द से रहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अगर फिल्म सितारों की बात करते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में बात करते हैं, तो ज़्यादातर देखा गया है कि उनका बिलीव ज़्यादातर होता है। तो आप कुछ बताना चाहोगे कि अगर कोई फिल्म स्टार हो जो आपके पास आती है, चाहे नॉट टू नेम एनीवन, बट देन देखिए तंत्र मंत्र यंत्र की दुनिया इतनी विस्तृत और विराट है कि इससे कोई अछूता नहीं रहा है। चाहे वो सेलिब्रिटी वर्ल्ड हो, चाहे आपकी बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, या आपका इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या आपके एंटरप्रेन्योर्स हो, या आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, या ब्यूरोक्रेट्स हो, या पॉलिटिशियंस हो, तंत्र मंत्र की दुनिया से कोई भी अछूता नहीं है। और छोटे बड़े सभी प्रकार के लोग हम लोग को मिलते रहते हैं जिनसे उनके जीवन में परिवर्तन आता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आई है। और देखिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमें जो सीखा है उसको हम इम्प्लीमेंट करके दूसरे की लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सके। मैं ये कहता हूँ कि मैं 100 लोगों का जीवन, अगर मेरे पास 100 लोग आए तो मैं 100 का नहीं बदल पाया, तो कम से कम 70 का तो बदलने की कोशिश तो की है मैंने, और 70 से 80 लोगों को फायदा मिला हुआ है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 100% लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, लेकिन जितने लोग आ रहे हैं उनके लिए हम भरपूर ईमानदारी से कोशिश करते हैं। और बाकी ये सामने वाले की श्रद्धा और समर्पण पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि विश्वास का ये सब कुछ विश्वास के ऊपर चलता है। आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं ऊपर वाले पे विश्वास करता हूँ। और मेरा काम कोई यहाँ पर कोई कस्टोडियन का नहीं है, मैं यहाँ पे पोस्टमैन की तरह काम करता हूँ कि आपकी या हमारे जो पास जो लोग भी आते हैं उनकी जो प्रार्थना है वो आगे परंपरा तक या आगे गुरुओं तक या अपने इष्ट तक पहुँचा सकूँ, और वहां तक पहुँचा कर और उनकी मदद कर सकूँ। बस मेरा काम इतना सही है, मैं एक अच्छे पोस्टमैन की तरह, डाके की तरह काम करता हूँ। आई कैन बिकम अ ब्रिज बिटवीन टू सोर्सेज एंड टू पावर्स। सो मेरा यही काम है। बहुत से लोग जुड़े हैं, बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कई सेलिब्रिटीज भी जुड़े हुए हैं और जिनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया। मतलब ऐसे ऐसे मेरिकल्स देखने को मिले हैं। कोविड के टाइम पे 46 पेशेंट जो वेंटिलेटर पे थे वो प्रेयर, प्रार्थना, हवन और यज्ञ के द्वारा 2 दिन या 3 दिनों में अपने घर वापस चले गए। तो ऐसे बहुत से मेरिकल्स देखने को मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली क्या, यू आर देयर लाइक लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने और विश्वास की जैसे बात की, तो हमारे यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो थोड़ा सही जो बराबर से इस चीज को जानते नहीं है, लेकिन लोगों को थोड़ा गुमराह भी करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए व्हाट हैव यू टू से? बिल्कुल सही बात कही आपने सुहेल कि देखिए आप इस बात को समझिए कि हमारे इंडस्ट्री में ही नहीं, हर इंडस्ट्री में, चाहे वो डॉक्टर्स का प्रोफेशन हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन हो, चाहे वो लॉयर्स का हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस का हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स का हो, या एक सब्जी वाला हो, या एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियस्ट हो, हर सेगमेंट में, हर आपके मीडिया वर्ल्ड में, आपके जो सोशल मीडिया वर्ल्ड है, इस इंडस्ट्री में भी अच्छे और बुरे लोग, दोनों ही तरह के लोग हैं। तो देखिए अब इसमें एक चाकू है, उससे आप सेब भी काट सकते हैं और आप एक गला भी काट सकते हैं, तो उसमें चाकू का कोई दोष नहीं है। उसी तरह हमारे तंत्र मंत्र यंत्र की दुनिया है, ये लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन या पॉजिटिविटी के लिए है, लोगों को अच्छा सिखाने के लिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। अब इससे कोई गलत काम करता है ये उसका अपना उद्देश्य है, उसका उसका अपना स्वार्थ है। तो लेकिन एक बात समझ लीजिए, आप जो भी करेंगे उसका भुगतान आपको यही करके जाना है। कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुः माते संगोऽस्तु कर्मणे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ऐसा कहने का उद्देश्य उनका ऐसे श्लोक में तो था ही, लेकिन पर वही कह रहे थे कि ऐसे कर्म करो जिससे कि आपको फल की चिंता ना करनी पड़े। तो आप क्या करते हैं दुनिया में, कोई देखे या ना देखे, आप स्वयं देख रहे हैं। और अच्छा काम करने के लिए जब आप निकलते हैं तो आपके बारे में लोग अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं। लोगों ने भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा और
माता सीता को नहीं छोड़ा, और अच्छे आज तक जितने भी श्रेष्ठ लोग हुए हैं, मीरा, रसखान, कबीर, सबके बारे में कभी ना कभी कोई ना क्रिटिसिज्म हुई है। हम लोग तो उनके सामने उनके पैरों की धूल भी नहीं है, एक कण के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। और लोग अच्छा और बुरा कहते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, तुम्हें बिन दक्षिणी को नार भी तो वह अकेला चलो रे, जब कोई तुम्हारा साथ ना दे रहा हो फिर भी तुम अकेले चलते चलो, एक ना एक दिन तो कारवां आएगा ही। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं जो तंत्र की खोई हुई मर्यादा है, जो तंत्र की जो रिस्पेक्ट थी हमारे भारत भारत समाज में, उसको पुनर्स्थापित कर सके। 2013 में जब मैंने अग्नित्रा फाउंडेशन का स्थापना की, तो मैं एक कॉर्पोरेट में काम करता था जहाँ पे एक अच्छी सैलरी थी, मैं एक फैमिली में बिलोंग करता था, मेरे फैमिली है, मेरे वाइफ है, बच्चे हैं, बाकी फैमिली के और सदस्य भी थे। जब मैंने ये डिसाइड किया और मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर इस दुनिया में आया था, जब पढ़ाना या सिखाना शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपने अपनी जिंदगी खराब कर ली। 2013 से लेके आज 2022 तक का सफर ये है कि जब मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, किसी सेमिनार में जाता हूँ, तो लोग तंत्र के विषय में सम्मान से बात करते हैं, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग 10 साल पहले या 5 साल पहले सोशल मीडिया पे जाएं, तो कोई भी तंत्र के विषय में बात करने को तैयार नहीं था। तंत्र से लोग डरते थे, लोग तंत्र का मतलब होता था ब्लैक मैजिक, जादू टोना और ये सारी चीजें होती थी। जब से हमने सात्विक तंत्र के विषय में बात करना शुरू किया, सात्विकता के बारे में बात करना शुरू किया, तो लोगों ने उसको सम्मान से लिया है, उसको प्रेम से लिया है। आज लोग घर में छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। तो तंत्र डरने का विषय नहीं है, तंत्र रिस्पेक्ट का विषय है। हमारे समाज कहा जाता था तंत्रमिति गुप्तम, पर इतना भी गुप्तम गुप्त ना हो कि वो विलुप्त हो जाए। तो हम लोग उसको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको वापस रिस्टोर करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको पुनः सम्मान मिले और लोग उसे अपने घरों में लाएं और उसको सीखें, समझें और पढ़ें। और देखिए, अच्छा और बुरा तो हर इंडस्ट्री में है। जहां हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति गलत है या मुझसे कोई गलती हो रहा है, वहां हम करेक्शन करने की जरूरत करते हैं। अगर लोग मुझे भी फीडबैक देते हैं कि सर आप यहाँ गलत कर रहे हैं, यहाँ पे आप ठीक कर रहे हैं, और जिसका जैसा भाव होता है वो वैसे ही देखता है। हम कहते हैं ना, पूर्णिमा का चांद है, एक एक ही चांद को लोग चार तरीके से देखते हैं। एक गरीब के लिए वो रोटी है, एक साइंटिस्ट के लिए कंप्लीट मून है, और एक मासूक के लिए वो महबूबा की शक्ल हो जाती है, और एक शायर के लिए वो खूबसूरत चांद हो जाता है। तो अपना अपना देखने का नजरिया, उसी तरह तंत्र मंत्र यंत्र की दुनिया है, विज्ञान है, इसको जो जैसा देखना चाहे देख सकता है। अच्छा गणेश जी, ये जो है स्पिरिचुअल गुरु के तौर पे आप काम कर रहे हैं, जी बहुत है, पिछले 2 सालों में जो काफी कुछ हुआ है, मुश्किली तौर पे डिस्टर्ब है, क्या कहना चाहेंगे, एक नॉर्मल राय आप क्या देंगे, धीरज से आप शांति। मैं ये कहता हूँ कि धीरज धर्म मित्र अरु आपा। जीवन में जब कष्ट आए, जब आपत्ति काल आए, तो चार चीजों का टेस्ट होता है। धीरज, आपका पेशेंस कितना है, आपका धर्म कितना है, आपके मित्र कौन से हैं, और आपके पत्नी या आपके परिवार के सदस्य आपके साथ कैसे हैं। तो आपत्ति काल से डरने की जरूरत नहीं होती, आपत्ति काल में चारों चीजें परखने की जरूरत होती है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, धर्म कितना बचा के रखा हुआ है, और आपके बाकी मित्र कैसे लोगों के साथ थे जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े या साथ छोड़कर चले गए। तो हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बुरा वक्त कभी परमानेंट नहीं होता। ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद सुबह नहीं हुई हो, और ऐसा कोई दुख नहीं जिसके बाद सुख ना आया हो। तो जीवन में उतार चढ़ाव, मान सम्मान, अपमान, सब कुछ होता रहता है। परंतु जो अभी 2-3 साल जो निकले हैं, एक तो कोरोना का, फिर युद्ध का माहौल, और अगर आप देखें राजनीतिक स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे उठा पटक चल रहे हैं। तो ऐसे समय पे एक आम आदमी को अपने धर्म को स्थापित करके मन को शांत करना चाहिए, और आवश्यकताओं में कमी करनी चाहिए। देखिए, अगर आप अपने आवश्यकताओं को बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपके बीच में एक रियलिटी और आपके ड्रीम के बीच में गैप आ जाएगा। जब वो गैप आ जाता है, तो वो आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तब आजकल की नौजवान युवा पीढ़ी फिर सुसाइडल थॉट्स पे जाते हैं या गलत कार्यों में जाते हैं। तो हमें एज ए पेरेंट, एज ए गुरु, एज ए फैमिली मेंबर, सबको ये सिखाना चाहिए कि जो चीजें प्राप्त है उसका सम्मान करो, जो नहीं प्राप्त है उसके लिए मेहनत करो, पर उसके लिए परेशान मत हो। तो जितना प्राप्त है उतना समर्थ काफी है। ईश्वर ने 2 आंखें दी हैं, उसके लिए धन्यवाद करो। हम जीवित हैं, इसके लिए धन्यवाद करो। हम 2 वक्त की रोटी पा पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करो। तो ग्रैटिट्यूड भी सीखना है, धन्यवाद भी करना है, और जीवन में आवश्यकताओं की थोड़ी कमी करके के जीवन जीना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने सपने छोटे कर दीजिए, आप अपने ड्रीम छोटे कर दीजिए, करिए, लेकिन आपके बेस को कभी मत भूलिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे।